नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। दोस्तों, यहाँ पर रेलवे के पास पीटीओ के रिगार्डिंग यहाँ पर एक लेटेस्ट न्यूज़ आई हुई है। और यहाँ पर पास पीटीओ की सुविधा लेने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी अलग अलग फैमिली मेंबर के लिए, उसकी डिटेल यहाँ पर जारी हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको पास एंड पीटीओ कितना मिलता है रेलवे के अंदर, फैमिली मेंबर में किस किस को रेलवे पास मिलता है, और पास पीटीओ की सुविधा लेने के लिए अलग अलग फैमिली मेंबर को कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे बोर्ड की तरफ से अपडेट है। देखिए दोस्तों, रेलवे में जो मैक्सिमम जो आपको पास मिलते हैं ना, वो दोस्तों अब यहाँ पर डिजिटल ही मिलते हैं। और पहले जो पास मिलता था रेल कर्मचारियों को, उसको आजकल पता है सिर्फ पास और पीटीओ में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब आपको साल में एक फुल पास मिलता है और दोस्तों आपको चार फुल सेट पीटीओ मिलते हैं। अगर आप लेवल वन से लेवल फोर तक के एम्प्लॉय हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर पास पीटीओ के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ पर जो पास मिलता है वो थर्ड एसी का मिलता है, और जो पीटीओ मिलता है वो आपका स्लीपर क्लास का मिलता है, जिसमें आप दोस्तों 1/3 किराया देके टिकट बुक कर सकते हो। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ दोस्तों यहाँ पर डिजिटलाइज हो चुकी है। डिजिटलाइजेशन के कारण सब कुछ दोस्तों आपको ऑनलाइन ही करना पड़ता है। तो ऐसे में बहुत सारे यहाँ पर जो एम्प्लॉय हैं उनको प्रॉब्लम होती है, तो उसके रिगार्डिंग लगातार यहाँ पर जो रेलवे बोर्ड है यहाँ पर गाइडलाइन जारी करती रहती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपडेट आया है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर इंक्लूजन ऑफ फैमिली मेंबर डिपेंडेंट रिलेटिव एक्सेट्रा इन पास पीटीओ। तो रेलवे के पास पीटीओ के अंदर फैमिली मेंबर को या डिपेंडेंट रिलेटिव को अगर बेनिफिट लेना है तो किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, इसके संदर्भ में नोटिस आया है और लेटेस्ट आप नोटिस देख सकते हैं, 2 नवंबर 2023 का है। तो यहाँ पर दोस्तों बात कर रहे हैं कि लगातार यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है कि फैमिली मेंबर और या डिपेंडेंट रिलेटिव हैं, उनको जब पास पीटीओ की सुविधा ले रहे हैं तो बार बार जो है रेलवे बोर्ड इसके रिगार्डिंग यहाँ पर अटेंशन देती है और बार बार यहाँ पर अपने सजेशन मांगती है। सजेशन और कमेंट रेलवे से, PSPCC और CTI, इनसे यहाँ पर इनके संदर्भ में यहाँ पर लगातार जो है सजेशन मांगे जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों इनको रिवाइज करके और यहाँ पर जो है डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन भी यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है, और आपका जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी दोस्तों यहाँ पर आपको बता रखा है। यहाँ पर दोस्तों आगे बता रखा है, यहाँ पर आप देखेंगे कि, और यहाँ पर दोस्तों ये बता रखा है कि जो पास इश्यूइंग अथॉरिटी है यानी कि आपका जो PIA है, उसको यहाँ पर एडवाइस किया जाता है कि अब जो नए अनेक्सर के अनुसार जो डॉक्यूमेंट हैं उनको दोस्तों आपको बनवाना है। पहले जो भी आप डॉक्यूमेंट लेते थे उनको यहाँ पर बंद कर दीजिएगा, जो पास्ट में यूज़ लेते थे उनको, केवल अब जो रिसेंटली जो लेटेस्ट अपडेट है उसके अनुसार ही आपको काम लेना है। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी यहाँ पर दिक्कत हो रही है बेनिफिशियरी एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग, तो दोस्तों आपका जो पास PTO है उसको आप बता सकते हैं। पास PTO की जो अथॉरिटी है यानी कि PIA होता है, उसको आप बता सकते हैं। और PI जो है यहाँ पर सारे केसेस को यहाँ पर लेकर, यहाँ पर जो पर्सनल डिपार्टमेंट है उनसे यहाँ पर कॉन्टैक्ट करेगा, 15 दिन के अंदर आपका ये सॉल्यूशन करवा देगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो एग्जिस्टिंग केसेस हैं जहाँ पर एलिजिबिलिटी के बेनिफिट के बारे में बात हो रही है, वो यहाँ पर सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ है। और यहाँ पर चलिए देखते हैं हम कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको कब कब चाहिए होंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको जो लेफ्ट साइड में दिखा रहा है कि आपकी फैमिली में कौन कौन से फैमिली मेंबर हैं और क्या पर्पज़ है उनका। इसके अलावा अगर आप कोई फैमिली मेंबर हैं उनको फर्स्ट टाइम अगर आप ऐड कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं पास पीटीओ का, उसके लिए आपको क्या करना होगा, और आप रेगुलर इंटरवल यानी कि उसको रिन्यूअल कर रहे हैं, जैसे पहले साल आपने ऐड कर दिया लेकिन आप सिर्फ उसको रिन्यू कर रहे हैं दूसरे साल तीसरे साल, तो उस लिए दोस्तों आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी उनके बारे में बता रखा है। तो यहाँ पर देखिए पहला है यहाँ पर स्पाउस। स्पाउस क्या होता है, आपकी वाइफ या हस्बैंड, यानी कि अगर आप मेल हो और आप अगर रेलवे जॉब में हो तो आपकी वाइफ को यहाँ पर भी पास पीटीओ मिलता है। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या देना पड़ेगा, आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा या वेडिंग इन्विटेशन देना पड़ेगा, मैरिज सर्टिफिकेट, तीनों में से एक डॉक्यूमेंट आपको जब आप पास पीटीओ के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके HRMS ID पे आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। और रेगुलर इंटरवल दोबारा आपको फैमिली मेंबर ऐड करने के लिए किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा यहाँ पर है अनमैरिड डॉटर, अगर आपकी कोई अविवाहित पुत्री है तो यहाँ पर बता रखा है कि उसका बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और दोबारा रेगुलर इंटरवल के लिए दोबारा आवश्यकता नहीं है।
इसके अलावा यहाँ पर देखिए इंक्लूजन ऑफ सन हु हैज नॉट अटेन द एज ऑफ 20 ईयर एंड इट इज होली डिपेंडेंट, यानी कि अगर आप 21 साल का लड़का है और वो पूरी तरह आपके ऊपर डिपेंड है, यानी कि कोई जॉब वॉब नहीं लगा है, तो भी दोस्तों आप पास पीटीओ बेनिफिट ले सकते हैं। अभी ये खबर आई थी कि अब 21 साल की बाध्यता हटा दी गई है। दोस्तों अभी तक कोई ऐसा अपडेट नहीं है कि रेलवे ने 21 साल से ऊपर के बच्चों को यहाँ पर पास पीटीओ देना चालू कर दिया है। अभी देखिए यहाँ पर एक न्यूज़ आई थी थोड़े दिन पहले कि यहाँ पर रेलवे जो है यहाँ पर 35 साल तक 30 साल तक के बच्चों को भी पास पीटीओ देगा, ऐसा नहीं है। अगर आपका बच्चा एकदम सही सलामत है और वो 21 साल से ऊपर क्रॉस कर गया है तो उसको पास पीटीओ का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके लिए सेम प्रोसेस है कि बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल का सर्टिफिकेट चाहिए और रिन्यूअल के लिए कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पर बता रखा है कि यहाँ पर फुल टाइम स्टूडेंट सन ऑफ एज 21 ईयर एंड अबव, 21 साल से ऊपर का आपका बच्चा है तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए बियॉन्ड स्टूडेंट सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा कि अभी भी आपके ऊपर वो डिपेंडेंट है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ईच एकेडमिक ईयर, जब भी वो स्कूल में पढ़ रहा है तो उसका सर्टिफिकेट हर साल देना पड़ेगा या कोई फीस रिसिप्ट आपको देनी पड़ेगी जिस भी कॉलेज में वो पढ़ रहा है उसका। यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर बता रखा है कि इंक्लूजन ऑफ सन ऑफ द एज ऑफ 21 ईयर एंड अबो हु इज एंगेज्ड इन रिसर्च वर्क एंड डू नॉट गेट स्कॉलरशिप, यानी कि 21 साल का आपका बच्चा जो यहाँ पर एंगेज है रिसर्च वर्क में और स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड प्राप्त नहीं कर रहा है, तो ऐसे में यहाँ पर दोस्तों उसका पास पीटीओ यूज लेने के लिए आपको रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है जहाँ से वो रिसर्च वगैरह कर रहा है, और यहाँ पर ये भी आपको बताना पड़ेगा कि वो स्कॉलरशिप स्टाइपेंड नहीं ले रहा है और डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट, दो चीज़ें आपको चाहिएंगी और रिन्यूअल की जरूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर तरक्का है कि आपका बच्चा 21 साल का है एंड वो दोस्तों वर्किंग एज एन आर्टिकल्ड कलर कम करेक्टर अकाउंटेंट, यानी कि इस पर अगर काम कर रहा है तो भी दोस्तों आपको ये डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी और रिन्यूअल की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बता रखा है अगर आपका बच्चा विकलांग है डिसेबल है तो इस केस में दोस्तों बता रखा है कि आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा PWBD का, अगर आपका सन या डॉटर जो है विकलांग है PWBD है तो उसका आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और इसके अलावा डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन तो आपको देना ही पड़ेगा। जो डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन है वो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा हमारी वेबसाइट के ऊपर, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आगे बता रखा है कि आपकी विडो डॉटर है यानी कि आपकी कोई विधवा पुत्री है तो उसके लिए आपको देना पड़ेगा आपकी जो पुत्री है उसका उसके हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। इसके अलावा डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन सबके लिए एक ही होता है, उसको मैं बता दूंगा कैसे फिलअप किया जाता है और यहाँ पर इसको रिन्यूअल की जरूरत है ही नहीं। इसके अलावा यहाँ पर बता रखा है कि अगर आपकी कोई पुत्री है उसने लीगली डाइवोर्स लिया है तो वो भी यहाँ पर दोस्तों एलिजिबल है पास पीटीओ के लिए, तो उसके लिए दोस्तों आपको चाहिए होगा डाइवोर्स कोर्ट के ऑर्डर वगैरह आपको चाहिए और डिपेंडेंस सर्टिफिकेट तो आपको चाहिए ही चाहिए। स्कूल चेक पास, देखिए स्कूल पास भी यहाँ पर आपको मिलता है तो स्कूल चेक पास अगर आपको लेना है तो आपको बेनिफाइड जो स्कूल सर्टिफिकेट जो भी स्कूल है उसका सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा। इसके अलावा एम्प्लॉयज रिक्वेस्ट विद डिटेल ऑफ ओकेजन फॉर ट्रेवल, यानी कि ट्रेवल कर रहा आपका बच्चा तो एम्प्लॉय को यहाँ पर रिक्वेस्ट करना पड़ेगा और इसके लिए अलग से डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए और यहाँ पर डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन तो आपको जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप रिन्यूअल करना चाहते हैं तो BSc ऑफ CAY यानी कि उस भी अकेडमिक ईयर का आपको बियॉन्ड स्कॉलर सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं स्कूल कार्ड पास। एक स्कूल का कार्ड पास और मिलता है तो उसका लाभ भी आप ले सकते हैं, उसके लिए आपको बेनिफाइड स्कूल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इसके अलावा डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा और ये सेम चीज़ आपके चल रही है कि बेनिफिशियरी स्कूल सर्टिफिकेट आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं आपका कोई बच्चा है जिसको आपने अडॉप्ट किया है तो आपको अडॉप्शन का प्रूफ आपको देना पड़ेगा, रिन्यूअल की जरूरत आपको है ही नहीं। इसके अलावा आपकी विधवा माँ है तो उसके लिए आपको आपके फादर का डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इंक्लूजन ऑफ डिपेंडेंट डाइवोर्स मदर, आपकी मदर है अगर वो डिपेंडेंट आपके ऊपर है वो डाइवोर्स्ड है उसका भी उसके लिए भी आप पास पीटीओ बेनिफिट ले सकते हैं। देखिए पास पीटीओ के लिए अप्लाई कैसे करना है उसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है जिसको आप देख सकते हैं, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपकी अनमैरिड सिस्टर है तो उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन कब ले सकते हैं, जब आपके फादर नहीं हो तो आपको फादर का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा तभी आपका अनमैरिड सिस्टर है उसका बेनिफिट ले सकते हैं पास पीटीओ के लिए। इसके अलावा यहाँ पर आपकी विडोड सिस्टर है, ठीक है, यानी कि आपकी विधवा बहन है उसका भी पास पीटीओ का लाभ मिलता है अगर आपके फादर नहीं है तो, और उसके पति नहीं है तब जाकर। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर
जो आपकी डाइवोर्स और सिस्टर है वो भी दोस्तों बेनिफिट ले सकती है पास पीटीओ का। उसके लिए आपको चाहिए होगा डाइवोर्स ऑर्डर, और आप जब ही ले सकते हैं जब आपके फादर नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं आपका ब्रदर स्टेप ब्रदर हु हैज़ नॉट अटेन द एज ऑफ 21 ईयर, यानी कि आपका भाई है या सौतेला भाई है अगर वो 21 साल की उम्र प्राप्त नहीं किया है वो भी 200 ले सकता है इन केस ऑफ आपके फादर नहीं है तो उसके लिए आपको फादर का डेथ सर्टिफिकेट और डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन देना होगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए बता रखा है कि फुल टाइम स्टूडेंट ब्रदर स्टेप ब्रदर हु हैव अटेंड 21 ईयर, यानी कि आपको दोस्तों अगर आपका छोटा भाई है या स्टेप ब्रदर है वो स्टूडेंट है उसके लिए भी आपको जो पास मिलता है उसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसके लिए वही बताया है कि देखिए आपके जो भाई बहन है उनका रेलवे के अंदर आपके भाई बहन हुए डाइवोर्स और सिस्टर हुई, ये सारे केसेस जो है तभी आपको मिलते हैं जब आपके फादर नहीं है, तब जाके आपको भाई बहन का लाभ मिलता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए वो आपको डेथ सर्टिफिकेट और आपका बीएससी सर्टिफिकेट और आपका डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन आपको चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बात करें अगर आपका भाई या आपका स्टेप ब्रदर है वो पीडब्ल्यूडी है तो भी दोस्तों आप बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन वही सेम केसेस है कि आपका फादर नहीं है तभी आप बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए यहाँ पर बता रखा है इंक्लूजन ऑफ एलिजिबल डिपेंडेंट रिलेटिव इन केस फादर इज मिसिंग फॉर ए पीरियड ऑफ एटलीस्ट 7 ईयर, अगर आपका पिता 7 साल तक मिलता नहीं है तो रेलवे उसको एक प्रकार से कंसिडर कर लेती है कि वो इस दुनिया में नहीं है। तो अगर आपका पिता खो गया है 7 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप जो है आपके जो भी डिपेंडेंट रिलेटिव हैं उनका बेनिफिट ले सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा मजिस्ट्रेट से कि आपका जो फादर है मिसिंग है। इसके अलावा जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट होंगे जो भी आपके डिपेंडेंट्स हैं उनके लिए वो आपको देना पड़ेगा, और डॉक्यूमेंट ऑलरेडी स्टेटमेंट फॉर रेस्पेक्टिव डिपेंडेंट रिलेटिव एक्सेप्ट डेथ सर्टिफिकेट ऑफ फादर, यानी कि डेथ सर्टिफिकेट के अलावा आपको बाकी सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट के स्थान पर आपको एफिडेविट बनाना पड़ेगा रेलवे के, आपको रेलवे को देना पड़ेगा मजिस्ट्रेट से। इसके अलावा यहाँ पर बता रखा है कि आपका मैरिड अगर आपकी डॉटर है उसको भी पास पीटीओ का बेनिफिट मिल सकता है अगर उसका पति भी 7 साल से ज़्यादा के लिए गायब हो जाए, उसके लिए भी वही सेम प्रोसेस है, सेम डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए बता रखा है कि डिपेंडेंट ब्रदर सिस्टर इन पास पीटीओ स्टेप ब्रदर इज अलाइव बट सर्वड कनेक्शन विद इन चिल्ड्रन, यहाँ पर देखिए बता रखा है कि आपका जो ब्रदर और सिस्टर है वो भी दोस्तों डिपेंडेंट है माने जाएंगे अगर आपका स्टेप ब्रदर है वो जिंदा है बट सर्वड कनेक्शन विद चिल्ड्रन, यानी कि वो आप उनसे रिलेशन नहीं रखता है। तो इस संबंध में आपको दोस्तों नोटेराई करनी पड़ेगी और उसका यहाँ पर बताना पड़ेगा कि वो उनका मतलब एक तरीके से आपका आपका स्टेप ब्रदर है उनको डिपेंडेंट नहीं मानता है, तो उस केसेस में आपके जो भाई बहन हैं स्टेप वो भी आपके माने जाएंगे आपके ऊपर डिपेंडेंट। ठीक है, इसके अलावा कंटिन्यूस ऑफ विडो पास फैसिलिटी ये आपको मिलेगी, विडो पास फैसिलिटी आप ले सकते हैं अगर आप आपका हस्बैंड जॉब में है और वो ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पर दोस्तों आपको विडो पास मिलता है, तो ऐसे में आपको डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा रेलवे एम्प्लॉय का और डिपेंडेंसी डिक्लेरेशन देना ही होगा। इसके बाद बात करते हैं हायर क्लास पास टू ग्रुप सी पीडब्ल्यूडी रेलवे एम्प्लॉय, यानी कि अगर आपका कोई ग्रुप सी का एम्प्लॉय है और वो पीडब्ल्यूडी है मतलब विकलांग है तो उसको एक हायर क्लास का पास मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो उसके लिए जो पीडब्ल्यूडी के राइट एक्ट्स हैं उसके तहत मिलेगा तो उसको आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, रिन्यूअल की जरूरत है नहीं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए इश्यू ऑफ स्प्लिट पास इन स्पेशल सर्कमटेंस व्हेन द रेलवे ऑफिशियल इज अनेबल टू अकंपनी फैमिली डिपेंड रिलेटिव, यानी कि यहाँ पर स्प्लिट पास की सुविधा भी मिल सकती है स्पेशल केसेस में जब रेलवे ऑफिशियल जो है यहाँ पर आपको कंपनी देने में अनेबल रहता है तब जाके। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बता रखा है एक रिक्वेस्ट इंडिकेटिंग डिटेल रीजन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, इसके लिए आपको जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के लिए डाल के रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, रिन्यूअल की सुविधा है नहीं। इश्यू ऑफ सेपरेट सेकेंड स्लीपर क्लास पास टू अटेंड इन सरकमटेंस स्टिपुलेटेड इन पास रूल्स, यानी कि पास रूल्स के अंदर आपका स्पेशल एक प्रावधान भी है कि आप सेपरेट सेकेंड या स्लीपर क्लास पास भी ले सकते हैं स्पेशल केसेस में, कुछ यहाँ पर अगर कुछ आ जाता है उनको अटेंड करने के लिए तो यहाँ पर उसके लिए आपको रीजन देना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए बता रखा है कि इंक्लूजन ऑफ कंपेन एज पर बोर्ड्स लेटर, इसके अलावा जो भी यहाँ पर बेनिफिशरी हैं जो रेलवे बोर्ड का ये लेटर है उसमें जो भी आए गए हैं
जो भी रेलवे एम्प्लॉई हैं उनके फैमिली मेम्बर हैं जो सारे सारे एलिजिबल हैं वो सारे हैं, तो यहाँ पर बता रखा है उनके लिए ये डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से आपको बता रखा है कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। और यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन और हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बता रखा है कि जो आप बीएससी देंगे यानी कि बेनिफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट या फीस रिसिप्ट, वो दोस्तों या तो ओरिजिनल होनी चाहिए या फिर जो कॉपी आप लगाएंगे वो सेल्फ अटेस्ट होनी चाहिए, और वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है उनसे यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर बता रखा है कि इन केस डेथ सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो उसका एफिडेविट भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर किस यहाँ पर बता रखा है कि एसएजी लेवल का ऑफिसर है उससे यहाँ पर सबमिट कर उसको दे सकते हैं। इसके अलावा बता रखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑलरेडी एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट एक्सिस्टिंग बेनिफिशरी वुड बी कंटिन्यूड। अगर आपने पहले ही ये डॉक्यूमेंट दे रखे हैं तो आपको अलग से डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा फॉर अवेलिंग फैसिलिटी ऑफ अटेंडेंट गार्जियन कंपेनियन इन लू ऑफ अटेंडेंट नो स्पेसिफाई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड। अगर यहाँ पर देखिए अगर आप अटेंडेंट गार्जियन या कंपेनियन बन के जाते हैं साथ में फैसिलिटी अवेलेबल करना चाहते हैं उसके लिए आपको स्पेशल कोई अलग से डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। फैमिली डिपेंडेंट डिक्लेरेशन विल हैव टू सबमिटेड ऑनलाइन, और यहाँ पर बता रखा है कि जो फैमिली डिक्लेरेशन है वो दोस्तों आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना होगा, हमने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना दिया है, ठीक है। इट विल बी रेस्पॉन्सिबल ऑफ पास अकाउंट होल्डर टू मीट इट इन इंटीमेट रेस्पेक्टिव पासिंग अथॉरिटी एंड वेन एनी बेनिफिशरी मूव्स ऑफ डिपेंडेंसी क्राइटेरिया। और यहाँ पर देखिए जो भी एम्प्लॉय उनकी जिम्मेदारी भी है कि आप जो है अगर आपके फैमिली मेम्बर में कोई मेम्बर आउट होता है कोई ऐड होता है तो उसकी जानकारी आप तुरंत आपके जो पी आई है उसको देंगे। और यहाँ पर बता रखा है इनकरेक्ट डिक्लेरेशन सस्पेंशन ऑफ इन्फॉर्मेशन इज डिटेक्टेड विल रिजल्ट इन डिटरमेंट पनिशमेंट टू रेलवे एम्प्लॉय एंड यहाँ पर पास पीटीओ। यहाँ पर बता रखा है कि अगर आप गलत तरीके से रेलवे के पास पीटीओ की सुविधा लेते हैं तो उसको आपको पनिशमेंट भी मिल सकता है। और यहाँ पर देखेंगे ये रहा आपके डिपेंडेंस डिक्लेरेशन, ठीक है, इसको मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको अपडेट कर दूंगा। ये लेटेस्ट जो है आपका फैमिली डिक्लेरेशन देने के लिए है और ये पास पीटीओ और मेडिकल डिपेंडेंस दोनों में काम आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई डाउट है कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।